हाय गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इटली स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन जोरों शोरों से चल रही है, तो उसी के साथ में काफ़ी अपडेट्स भी आ रही है एम्बेसी और कॉन्सुलेट की तरफ से। सो देर आर टोटल 15 अपडेट्स जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। सो अगर आप 2023 इनटेक के लिए या फिर 2024 इनटेक के लिए इटली का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इन 15 अपडेट्स को ध्यान से देखिए ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग बने जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाए और एंड टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इटली स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन जो है 3 जगह पर होती है, मेनली जो है दिल्ली एम्बेसी में, मुंबई कॉन्सुलेट में और कोलकाता कॉन्सुलेट में। सो ये कॉन्सुलेट के ज्यूरिसडिक्शन जो है आपको अकॉर्डिंगली पता लगाने होंगे। नाउ द फर्स्ट अपडेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि DOV इज रिक्वायर्ड बिफोर वीजा एप्लीकेशन इन दिल्ली कॉन्सुलेट और कोलकाता कॉन्सुलेट। तो अगर दिल्ली एम्बेसी में या फिर आप कोलकाता कॉन्सुलेट में वीजा अप्लाई करने जा रहे हो तो उसके पहले आपको जो है DOV करवानी रहेगी। ये DOV क्या है? DOV मतलब सिंपल कहे तो लीगलाइजेशन ऑफ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो कि आपको VFS के थ्रू करवाना रहता है। तो पहले आपको DOV की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद जब आपका DOV आ जाएगा उसके बाद ही जो है आप दिल्ली एम्बेसी या फिर मुंबई कॉन्सुलेट में वीजा की एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेकेंड अपडेट दोस्तों ये कि काफी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम DOV या फिर क्या हम वीजा जो है प्रोविजनल डिग्री के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। वेल, द आंसर इज येस, यू कैन अप्लाई फॉर योर वीजा एप्लीकेशन या DOV विद द हेल्प ऑफ प्रोविजनल डिग्री। बट यहां पर आपको जो है इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपका कंफर्मेशन क्लियर हो जाए या तो एम्बेसी या यूनिवर्सिटी से कि वो प्रोविजनल डिग्री आपकी एक्सेप्ट कर लेगी। तो अगर कंफर्मेशन आपके पास पहले से होगा तो आपकी प्रोफाइल में या आपकी वीजा एप्लीकेशन स्मूथ जाएगी और कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं होगा। थर्ड अपडेट है दोस्तों, लास्ट ईयर जो है दिल्ली एम्बेसी में इंटरव्यूज नहीं हुए थे, इस साल सारी ही एम्बेसीज में दोस्तों इंटरव्यूज हो रहे हैं और वो इंटरव्यू जो है आपका जो है 5 to 25 minutes का हो सकता है। अगर हम जो है मुंबई और स्पेशली दिल्ली कॉन्सुलेट की बात करें तो इंटरव्यू जो है जब आप वीजा एप्लीकेशन करने जाएंगे तो उसी टाइम पर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जाएगा। और अगर हम स्पेसिफिकली कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आप जो है वीजा वगैरह सब सबमिट कर देंगे, उसके 1 week के बाद आपका व्हाट्सएप के थ्रू जो है वीजा इंटरव्यू होने वाला। तो ये एक अपडेट थी जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली कि आप पहले से प्रिपेयर होकर जाए कि यहां पर हमें इंटरव्यू देना है एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन और कोलकाता में दे विल कंडक्ट इट लेटर ऑन आफ्टर सबमिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों कि अगर आपके स्पॉन्सर या आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में कुछ नेम डिस्क्रिपेंसीज हो गई या कुछ एरर है या नेम मिसमैच है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में या आधार कार्ड में, तो आपको वन एंड द सेम सर्टिफिकेट प्रिपेयर कराना रहेगा जो कि अपोस्टाइल होना चाहिए, तभी जाकर यह डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको जो है लेटर ऑन वो कहेंगे कि यार ये डिस्क्रिपेंसीज है या फिर उस टाइम पर वीजा एप्लीकेशन लेने से मना कर देंगे। तो मेक श्योर यू चेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स कि सब में आपके नेम्स सेम हो या आपके फादर जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके भी नेम्स सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम हो, तभी जाके आप जो है वीजा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो उस केस में आप जो है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बनवाइए और उससे जो है आप आसानी से वीजा एप्लीकेशन करवा सकते हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, वीजा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स कंसर्न रहता है कि हमें वीजा अपॉइंटमेंट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम जो है मुंबई की बात करें तो मुंबई में आपको जो है अक्टूबर की वीजा अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी। अगर हम जो है दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कभी कभी बंद हो जाती है, जैसे अभी बंद है तो आप जो है 3 या 4 सितंबर को ओपन होगी तो उस टाइम पर आप जो है अगेन अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। और अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आपको इजीली सितंबर की अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी। मुंबई के लिए आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे आप बैंगलोर में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप चेन्नई में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो चेन्नई में भी आपको जो है अर्लीस्ट सितंबर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो अपॉइंटमेंट्स का एज सच कोई इशू आपको नहीं आने वाला है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा तो और एट द एंड आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों DOV के टाइमलाइन से रिलेटेड कि कितना टाइम ले रही है DOV। सो DOV का जो है अभी टाइमलाइन जो चल रहा है, अगर हम जो है कोलकाता की बात करें तो विद इन अ वीक आपकी DOV आ जाएगी। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में DOV 1 month तक का टाइम ले सकती है और अगर हम दिल्ली की बात करें तो विद इन 15 days आपका DOV आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों वीजा रिलेटेड एक्सपेंसेस से कि यार वीजा फीस तो यहाँ पर 50 euros होती है, लेकिन इसके अलावा भी छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस और हो जाते हैं जब आप वीजा एप्लीकेशन करने जाओगे तो इट कैन रेंज बिटवीन 7,000 to 15,000। तो इतना अमाउंट आप कैश में ले जाइएगा ताकि आपको एट द सेंटर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों माइनर स्टूडेंट्स है जिनकी एज 18 से कम है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स को भी आपके साथ में वीजा एप्लीकेशन करने जाना होगा और वहां पर दोनों की सिग्नेचर लगती है और आपको जो है पहले एक नो ऑब्जेक्शन एफिडेविट प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, वहां पर आपको कंसेंट फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और एक कई केसेस में जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी लग जाता है फॉर माइनर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द अपडेट फॉर माइनर स्टूडेंट्स, अगर आपकी 18 से एज कम है तो आपको जो है लीगल गार्जियंस के साथ ही जाना पड़ेगा वीजा एप्लीकेशन के लिए और दोनों ने चाहिए, मम्मी और पापा दोनों साथ में। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों फंड्स रिलेटेड, फंड्स में दोस्तों जो है बता चुका हूं कि यार आपको जो है 6,000-7,000 euros मिनिमम
मिनिमम आपको अपने अकाउंट में शो करने होंगे, और इसके ऊपर जितना चाहे वो भी आप एडिशनली कर सकते हो। जैसे कि हम जनरल लेवल पर कहते हैं कि मास्टर्स के अराउंड 10 लैक्स और बैचलर्स के अराउंड 15 लैक्स, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट हमेशा की तरह जो है 5.5 लैक्स INR या 6 लैक्स INR कह सकते हो आप। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, एजुकेशन लोन इज एक्सेप्टेड ओनली इफ इट इज क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। ये लास्ट ईयर का भी सेम ही अपडेट है दोस्तों कि इसमें आपको जो है एजुकेशन लोन अगर आप लेते हो तो आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए अमाउंट कि वो क्रेडिट हो चुका है, तभी जाके एक्सेप्टेड है। अगर आप लोन सैंक्शन लेटर दिखा दो उसके बेस पर सोचो कि मुझे वीजा मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि वीजा अगर आपका रिजेक्ट होता है तो डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं देते, ये देते हैं एडवांस प्री रिफ्यूजल जिसे कहा जाता है। ये एडवांस प्री रिफ्यूजल में कुछ रीजंस लिखे रहते हैं कि किस वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है, और उन रीजंस को आपको जस्टिफाई करके रिप्लाई करना पड़ता है या एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं विदिन 10 वर्किंग डेज। तो विदिन 10 वर्किंग डेज का आपको टाइम मिलता है जिसमें आपका अगर एडवांस प्री रिफ्यूजल आ जाता है तो उसको जस्टिफाई करके वीजा लेने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है हिंदी लैंग्वेज में तो मेक श्योर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा लें। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों कि आप जब वीजा की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उस टाइम पर आपको जो है अपनी स्टूडेंट आईडी और अपना फोन नंबर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप किसी और का यूज करेंगे तो वो अपॉइंटमेंट नल हो जाएगी, और जिस दिन आप वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर जाओगे और उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आप अपनी आईडी से ही जो है इटली स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन बुक करें। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों कि आपका जो अकोमोडेशन बुकिंग होगा वो अकोमोडेशन बुकिंग जो होनी चाहिए मिनिमम 30 नाइट्स की होनी चाहिए और 31 डेज की होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप 30 नाइट्स की या 31 डेज की ही बुकिंग शो करें। फ्लाइट टिकट्स की बात करो तो फ्लाइट टिकट्स मेक श्योर कि आपके वीजा एप्लीकेशन के 1 मंथ के बाद से ही हो, और फ्लाइट का जो अराइवल है वो और अकोमोडेशन की बुकिंग जो है वो मैच करे। और DUV से रिलेटेड एक और अपडेट है कि DUV के भी प्री रिफ्यूजल आते हैं। तो DUV का प्री रिफ्यूजल इसलिए आता है कि अगर आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो और उसमें अगर उनको पता लगता है कि यार कोई नेम चेंज है यहाँ की 10th की मार्कशीट में 12th की मार्कशीट में, तो इसके लिए भी आप जो है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट पहले से प्रिपेयर करा के ही सबमिट करें, अदरवाइज फिर प्री रिफ्यूजल आएगा, आपका टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होगा उसमें। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, प्रीमियम लोन से रिलेटेड 2000 से 3000 के बीच में आप अमाउंट पे करके जो है VFS में जब वीजा एप्लीकेशन करेंगे तो प्रीमियम लोन बुक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि VFS के जो स्टाफ है वो आपको फॉर्म फिलिंग में असिस्ट करते हैं, चाय कॉफी पिलाते हैं, और आपको एक थोड़ा सा VIP ट्रीटमेंट मिल जाता है उस केस में, तो इससे भी कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि यार कहीं बच्चे जो है ना सारे ही जो है प्रीमियम लॉन्च में कर रहे, तो प्रीमियम लॉन्च कभी कभी भर जाता है और जो नॉर्मल लेन रहती वो एम्प्टी रह जाती है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करना है। इस पर इससे जो है वीजा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का कोई सीन नहीं रहता है, दिस इज जस्ट कि आपको जो है जल्दी प्रोसेस हो जाए और जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट वाला जो है ट्रीटमेंट VFS में मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, जेरोक्स जो फोटोकॉपीज आप करवाने वाले आपके डॉक्यूमेंट्स की या फिर आपका फोटोग्राफ जो हमें चाहिए रहते वो जो है आप पहले से करा के रहा है, उसके डायमेंशन स्क्रीन पर भी दिख पा रहे होंगे। अगर आपने सोचा कि मैं फोटोकॉपीज VFS में करा लूंगा वहां से या फोटोग्राफ वहां से क्लिक करा लूंगा तो इट इज गोइंग टू बी सुपर एक्सपेंसिव, क्योंकि शायद जो है जब हम फोटोकॉपी वहां पर या जेरोक्स करवाते तो जेरोक्स का चार्ज 20 rupees पर पेज, और जब हम फोटोग्राफ क्लिक करवाते तो उसका जो है 200 rupees की फोर, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। तो वो कॉस्ट आप आसानी से सेव कर सकते हैं अगर प्रायर से ही आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज या जेरोक्स करवा के चले। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट अपडेट की वीजा अप्रूवल कितने दिन में आ रहा, तो वीजा अप्रूवल जो है दोस्तों है अगर हम बात करें कोलकाता की तो विदिन अ वीक भी आ चुका है। सो 1 week to 1 month के बीच में आपका कहीं भी रिस्पॉन्स आ सकता है कोलकाता कॉन्सुलेट के लिए। सेकेंड अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जो है विदिन अ मंथ आपका जो है वीजा का कुछ भी स्टेटस आपको पता चल जाएगा। और थर्ड अगर हम मुंबई की बात करें तो 1 month to 3 month तक टाइम ले सकता है फॉर दी अपडेट। तो मुंबई कॉन्सुलेट जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रही है फिलहाल, बाकी दिल्ली और कोलकाता आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करके बता देगी। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी जो प्री रिफ्यूजल्स एडवांस रिफ्यूजल्स आ रहे हैं वो रीजंस जनरली इसमें ये आ रहे हैं कि फ्रंट का जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया प्रॉपर नहीं है, और या फिर कोई अनरिलायबल डॉक्यूमेंट्स है। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इनके जस्टिफिकेशन दूंगा कि आप जो है अगर इन रीजन की वजह से आपका वीजा रिजेक्शन आता तो उनको कैसे जस्टिफाई करें। सो या दिस इज ऑल अबाउट द इटली स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए इटली स्टूडेंट वीजा से एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप जो है इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके जो है हेल्प ले सकते हैं फॉर द इटली स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।